अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू मेरे नई वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कटिंग के हवाले से। तो मैं आज आ रही हूँ, अपनी कटिंग करवाने आया, तो मैंने कहा साथ में वीडियो भी शूट करते रहते हैं। तो वीडियो देखें ज़रूर करें, और दूसरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो जी। तो अभी जैसे बता था कि मतलब लॉकडाउन था, तो अभी तकरीबन 9 मई को आप लोगों को जैसे रिव्यू सुनी होगी, लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो दुकानें खुली। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा दाढ़ी को मना कर लीजिए सेट, और बालों को थोड़ा सा कर लीजिए सेट। तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ, तो मैंने कहा साथ में आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पे जो शॉप वगैरह है। ये देखें, ये दोस्त मेरी करेंगे, ये दाढ़ी बनाएंगे। तो जी चले शुरू करते हैं, और जैसे मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट की चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। जी तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दाढ़ी बना के मैं तो हो गया बिल्कुल तैयार। तो मैं जिस दुकान में बैठा हूँ, इस दुकान का नाम है तनेश के नाम से। अगर आप लोगों का यहाँ पे आना हो तो ज़रूर यहाँ पे आइएगा। तो मैं इनसे बात भी करा था, दोस्त है जो दाढ़ी बनाते हैं, तो ये आप लोगों को अच्छी तरह बता भी देंगे, और ये अच्छी बनाते हैं दाढ़ी। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैं तो बिल्कुल फ्रेश हो गया। तो मैं इनको दे रहा हूँ यार वीडियो, आपको दुकान का थोड़ा एड्रेस वगैरह बता देते हैं भाई। ये हमारे बश्तियाबाद में नाई का दुकान है दनिश के नाम से। अभी आप आओ तो फिर हमारे पास होके जरूर जाना। काचलो फारा में भाई हमारी दुकान है बशीराबाद में। जी तो जैसे आपको इन्होंने बता दिया कि इनकी एड्रेस वगैरह बता दिया, और ये अच्छे बंदे, तो जब भी आए इनके पास आइए और दाढ़ी बना के जाइए और बाल कटिंग करवा के जाइएगा। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डायरेक्शन की तरफ, तो वहाँ पे जाके वीडियो शूट करते हैं। थैंक यू जी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कटिंग दाढ़ी मैंने बनाई, दाढ़ी बना के मैं थोड़ा सा काम किया वहाँ पे बशीराबाद। तो बशीराबाद से काम करके मैं यहाँ पे आ गया गाँव में। तो अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, जैसे अभी चलिए और काफ़ी गर्मी देखें कैसी कड़क है। ये हमारा गांव है, ये देखें जी हमारे गिर के घर के बिल्कुल पास यहाँ पे ज़मीन है, हमारा एंड भी आता है। तो ये देखें अभी लोगों ने बरसीन है यहाँ पे। तो आसपास पहले गंदम थी, गंदम की कटाई तो हो गई अभी। तो अभी लोगों ने कपास यहाँ पे लगाई है, तो कपास को अभी निकलते महीना डेढ़ लगेगा। तो जी आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने कल भी आप लोगों से बात की थी यूट्यूब के हवाले से, और फेसबुक में मैं 2-3 वीडियो बना रहा हूँ ऐसे, ताकि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा आप कैसे मतलब के ऊपर जा रहा है। तो जो हमारे डॉलर के मुकाबले जो रुपए की कीमत है वो तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आप लोग भी अपना चैनल बनाए, उस पर वीडियो अपलोड करें, ताकि आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो और आप लोग भी शेयर नहीं कर सकें। और दूसरा फेसबुक के बारे में मैंने बताया था, तो इंशाल्लाह मैं शाम को आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगा, ऐसी वीडियो बनाऊँगा जिससे आप लोगों को सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है कि जो पहले पाकिस्तान में नहीं थी, तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया है कि वो इनेबल हो गई यहाँ पे। तो इंशाल्लाह शाम को मैं वीडियो बनाऊंगा, डिटेल से आपको बताऊंगा।
आप लोगों ने क्या करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।